जी कि ये सुबह 7 बजे जब उठते हैं, अच्छा, तो शाम को मतलब ये कहने का 5 बजे 7 बजे ही बैठे। कौन सा कबूतर आपके हाथ में उस्ताद? ये रामपुरिया मदीन है जी जी, और पाकिस्तानी कबूतर पड़ा हुआ केटी केटी टेडी केटी टेडी 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 दोस्तों कश्मीरी कबूतर। क्या बात है, इसकी आँख का शो कराएं आप थोड़ा सा, ये देखिए गाइस आप थोड़ा शो करें। ये फुलसरी संभाली, अच्छा फुलसरी संभाली कबूतर कबूतर हाँ जी, क्या बात है दोस्तों। कबूतर में है जी जो अब से 35-40 साल पहले संभल के अंदर जो हुआ करते थे, अच्छा पुराने जी जी समझे, काली तय के जी, इस तय ये है काली, ये देखे दोस्तों, यानी कि तय का मतलब बोले लंगोट काला, ये एक बार जहाँ पंजा दे देता फिर वहाँ से जाता नहीं है। अच्छा इसके अंदर ये खूबी है संभल का कबूतर, ये देखे दोस्तों क्या बात है। ये 400-300 कबूतर है लगभग जी जी, शाम हो जाएगी से वीडियो बनाने सबकी जी जी बिल्कुल। और लाला जो है जी हमारा भतीजा है, लाला भाई लाला जो हमारा भतीजा है जी जी, और लाला का शौक जो है ये इन फुलसरों कबूतरों से करता है। ये देखे दोस्तों क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन शानदार बहुत बढ़िया। ये देखे दोस्तों आप लोग शो करेंगे आज बादली टांडा कस्बे से जिला रामपुर, टांडा इम्तियाज के कबूतर हैं जी जी, वार्ड नंबर 24-25 जी जी, बहुत ही शानदार। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। वेलकम टू बैक चैनल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरसीसी पिजन लवर। तो जैसे कि दोस्तों आज मैं शो कराऊंगा आपको रामपुर जिले के एक कस्बा टांडे बादली का, पहले भी मैंने आपको शो कराए हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे कबूतरों का शो कराया है। तो सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ आपको जिनकी छत पे हम लोग आए हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, इम्तियाज भाई, तो क्या नाम है आपका? इम्तियाज भाई, तो थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को ऑडियंस को कि आज जो आप शो करवाएंगे किन किन कबूतरों का शो करवाएंगे या कौन कौन सी नस्लें आपके पास हैं? कल्सरे हैं अपने पास। अच्छा कल्सरे, कल्सरे हैं, फुलसरे हैं जी जी। तो लगभग कितना टाइम हो गया आपको? टाइम तो जितनी अपनी उम्र कबूतरबाजी में गुजर गई। अच्छा अच्छा कबूतरबाजी में गुजर गई, तो बाकी और जो इनके दोस्त लोग आए हुए हैं दोस्तों दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहले इनसे मिली, आपका क्या नाम है? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम भाई, और सब खैर से हैं? तो कुछ कहना चाहोगे हमारी जो ऑडियंस है जो मतलब जो देख रही है आपको कुछ कबूतरबाजी के मामले में कुछ कहना चाहो? मतलब ये कहने का देसी कबूतरों का ज्यादा शौक है जी जी, जो चिट्टे फुलसरे जो संभली किसी जमाने में हुआ करते थे जी जी जी, उनसे शौक रखते थे। अच्छा आज भी रखते हैं ये हमारे टांडे में हमारे मिलने वाले इम्तियाज भाई जी जी, ये फुलसरे कबूतर से ज्यादा शौक है, तीरे फुलसरे, अच्छा और उदे फुलसरे, काली बाजू, कलपरे, कलदुमे, बहरहाल सभी को शौक रखते हैं। जैसे आज के टाइम में मतलब कुछ लड़कों ने जो नए लड़के हैं कबूतरबाजी को बदनाम कर रखा है, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? शौक अच्छा है या मतलब कुछ लोग कहते हैं लोग मतलब ये कहने का, देखो शौक तो शौक के ही तरीके से अगर करोगे तो सब आदमी अच्छा भी कहेंगे जी जी, और नगर वासियों का सबका नाम होगा जी जी, अगर गलत करोगे तो सब में गंदे हो गए, सब में गंदे कलाए जाओगे जी जी। बेहतर ये कि हमारे आल टांडा के क्षेत्र में मोहल्ला टंडोला वार्ड नंबर 25 या 24 जी जी, इन वार्डों में जो है बेहतरीन कबूतरबाजी होती है। अच्छा इन लोगों को सबक लेना चाहिए जी जी कि कबूतर कैसे उड़ने चाहिए। अच्छा सुबह 7 बजे से उड़ते हैं यहाँ जी, शाम को लास्ट टाइम 5:30 बजे का होता है। अच्छा हमारे यहाँ अगर कोई चील या छीछड़ा वगैरह अगर बिड़ाते हैं तो हम कबूतर कैंसिल कर देते हैं। अच्छा कैंसिल होता है कबूतर? कैंसिल करवा देते हैं हम जी, दूसरे जी। का जो जजमेंट लोग आया हुआ है ये मिसाल करो इम्तियाज भाई के कबूतर उड़ना है, अगर और कोई आए हैं बराबर में जी जी दूसरे विपक्षी पार्टी के, अगर वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये यहाँ हरकत हो रही है, तो हमारे यहाँ ये होता है उस कबूतर को गिरने से पहले ही चाहे 1 बजे क्यों ना बैठ रहा हो, हालांकि 12 बजे का टाइम है लास्ट जी, वो 12 बजे के बाद में टाइम लगना शुरू हो जाता है हमारे यहाँ कैंसिल करवा देते हैं। अच्छा ईमानदारी के साथ, ईमानदारी हमें शौक होता है। हाँ ईमानदारी। चलिए दोस्तों मिलवाता हूँ मैं आपको जो बराबर में बैठे हैं भाई, इनसे भी थोड़ा आपको मतलब मिलवाता हूँ। जी मेरा नाम है मास्टर पप्पू जी। पप्पू भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ कहना चाहेंगे, कबूतरबाजी में हमें भी बहुत टाइम हो गया जी जी, और जिनकी हम छत पे आए हुए हैं इन्हें तो एक बचपन से कबूतरबाजी का ही शौक है। अच्छा अच्छा, मगर ये है कि हमारे वहाँ पर जो ये टांडे में सिलसिला हुआ है टूर्नामेंट का, अच्छा ये सिर्फ मोहल्ले टंडोले से ही सिलसिला हुआ है। अच्छा और मोहल्ले टंडोले में आज भी जैसे पहले उड़ते थे सिलसिला करा था हमारे बड़े बड़ों ने, अच्छा जैसे के
हबीबुल उस्ताद हैं, असगर अली मास्टर हैं जी, यासीन उस्ताद हैं जी, और तुम्हारे शकील उस्ताद हैं जी, ये मतलब बड़े बड़े थे हमसे, फिदा उस्ताद हैं। अच्छा, इन्होंने अस्पाक था पहले, उन्होंने कबूतरकबाजी खत्म कर दी है जी। तो ये हमसे बड़े थे, ये उड़ाते थे, इन्हें देख के हमें भी शौक हुआ। अच्छा, हमने भी कबूतर पाले। आपने भी बाजी बाजी करी होंगी? जी हाँ, हमने भी बाजी करी हैं। अच्छा, और उसमें इंशाल्लाह जीते भी हैं जी जी, और जी हरे भी हैं। अच्छा, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जीते ज्यादा हैं, हरे कम हैं। चलो ऐसे तो होते हैं, जीत में तो हार, जीत हार तो लगे। ये है कि हमारे मोहल्ले में शौक जो होता है जी, वो बाट मोहल्ला टंडोला में बाट नंबर 24 और 25 में जो शौक होता है वो सिर्फ एक ईमानदारी से होता है जी जी। ऐसा नहीं होता जैसे कि टांडे में अगर 51 उड़ा दिए बस्ती के अंदर और हमने टीम वहां पर जमा कर दी जी जी, तो हमारे अगर 51 बैठ गए और उनका अगर 30 बैठ गए तो उनके 30 वाला वो जीता पड़ा और 51 बाहर हारे पड़े हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारे यासीन उस्ताद हैं जी, इनसे ये यासीन उस्ताद हैं हमारे, हैट्रिक मार चुके हैं जी जी, होले की सरजमी पे, पहली होले की सरजमी पे ये देखे दोस्तों, पहली हैट्रिक है। अच्छा, और बहुत बढ़िया कबूतरबाज है। तो आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद यासीन। यासीन भाई, तो दोस्तों आप यासीन भाई की बात सुनते हैं थोड़ी सी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे मोहल्ले में टूर्नामेंट उड़ता जी जी, बहुत ईमानदारी के साथ उड़ता। अच्छा अच्छा, और अच्छा शौक करते हैं यहाँ पर जी जी जी, खत्म कर दिया अपना शौक। हमने करीब 3 साल उड़ाया कबूतर जी, 3 साल लगातार जीते। अच्छा, लगातार बाजी जीते जी। तो ये बराबर वाले भाई हैं, इनसे थोड़ा बातचीत कराइए। हम भाई शौक करते हैं रामपुर जिले से जी जी जी, मोहल्ला टंडोला है, टांडा बादली जी जी जी, बसरते हम टूर्नामेंट उड़ाते हैं यहाँ का। अच्छा, टूर्नामेंट बाजी अच्छी नहीं लगती है जी, और मोहल्ला टंडोला है, वार्ड नंबर 25 और 24 का टूर्नामेंट उड़ता है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद नासरुद्दीन। अच्छा, नासरुद्दीन भाई। हाँ, टूर्नामेंट के ही शौक करते हैं हम जी, और बाजी का शौक करते नहीं है। अच्छा, टूर्नामेंट के शौक है आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को इनसे मैं ये सबसे पहले शो करेंगे आप लोग, जो उस्ताद जी के हाथ में कबूतर है, तो कौन सा कबूतर है ये? कलसर श्यामी कहते हैं। अच्छा, कलसर श्यामी, ये देखे दोस्तों शो करें आप लोग, कलसर श्यामी कबूतरों का। शाम तक बैठते हैं, शाम तक। हाँ, थोड़ा ऊपर दिखाएं, ये देखें दोस्तों क्या बात है, ये देखें आप लोग क्या बात है, बहुत ही शानदार। इसमें नर मादी कौन सा है? नर ये है। अच्छा, मादा ये। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें नर की आंख का शो करवाएं, और कुछ इसकी खासियत बताएं उस्ताद, जो इसकी कोई खासियत हो, उड़ान बुड़ान या वगैरह। उड़ान वगैरह की खासियत ये है जी कि ये सुबह 7 बजे जब उड़ते हैं। अच्छा, तो शाम को मतलब ये कहने का 5 बजे 7 बजे ही बैठते हैं, 7 बजे शाम को। बाजी दिन ऐसा होता है कि दूसरे दिन आते हैं। अच्छा, दूसरे दिन आते हैं, इतनी उड़ान है इनके अंदर? ये एक बाजी में सब 10 ऊपर सफेद है जी जी, और दूसरी बाजी में मतलब ये कहने का 9वां कुंदा जो 8वां कुंदा काला है, एक कुंदा बाजी जी, दोनों बाजी सफेद। अच्छा, अच्छा, दुम मतलब ये कहने का काली दुम, सिया दुम काली, सिया दुम काली जी, दो पर खिचड़ी है जी जी, बस बेहतरीन कबूतर है। उस्ताद, इसकी आंख का शो कराए थोड़ा सा, इसके बारे में कुछ बताएं आपके थोड़ा बहुत। ये देखें आँख, ये है बहुत उम्दा, क्या बात है दोस्तों, आप लोग आँख का शौक करें इसका। काले नोक पंजे जी, बेहतरीन नर है जी, मादिन का शौक, इसकी मादिन का शौक करवाएं। मादा ये है इसकी, ये देखें दोस्तों मादिन के पर्दे, दो पर काले जी जी, दाईं बाजी में और बाईं बाजी में एक पर काला, बहुत शानदार, क्या बात है दोस्तों। बड़े बच्चे उड़ाती है, खुद भी उड़ चुकी है ये। अच्छा, खुद भी उड़ती है? हाँ, और बच्चे भी उड़ते हैं इसके। अब से 8 साल पहले जी जी, ये करीब करीब 10-10 घंटे बना चुकी है जोड़। अच्छा, 10-10 घंटे 10-10 घंटे बना चुकी, क्या बात है दोस्तों। ये देखें आप लोग, इसकी बेहतरीन श्यामी जोड़ है, श्यामी कलसरे श्यामी। ये देखो दोस्तों, इसकी आँख का शो कराएं उस्ताद थोड़ा सा, ये देखे दोस्तों आप लोग इसकी आंखों का शो करें, बहुत ही शानदार बेहतरीन, और नोक पंजे सिया, नोक पंजे देखें आप लोग इसके, बहुत शानदार। चलिए फ्रेंड्स, आपको इसके बच्चे भी मतलब ये कहना है करीब करीब 7 घंटे उड़ते हैं, 7 घंटे बच्चे उड़ते हैं इसके भी। अच्छा, ये इसी के बच्चे हैं? हाँ, इसी के बच्चे हैं जी, क्या बात है दोस्तों। ये देखें, तीरी पूंछ है साहब, पूंछ देखें आप कितनी शानदार है। ये 3 पर काले सफेद जी, और 1 पर एक साइड का काला, ये देखो दोस्तों उसी जोड़ के पट्टे हैं, ये जो अभी आपने दिखाई, उसी जोड़ के पट्टे। अच्छा, वो 10 घंटे उड़ते हैं, ये अभी उड़ना सीखे हैं अभी।
जी जी, ये 8 घंटे बना रहे हैं इस टाइम पे भी मौजूद। अच्छा, अभी भी 8 घंटे 8 घंटे बना रहे हैं जी जी। ये देखो दोस्तों, इसके परों का शो कर रहे हैं आप लोग, काला जी, बहुत बढ़िया का, और बड़ी बड़ी बाजू के बड़े बड़े कबूतर दोस्तों, ये देखें आप लोग, बहुत ही शानदार क्वालिटी। और ये पूरा कलर बंदेशिया, ये देखें दोस्तों क्या बात है, आप लोग पूरा कलर देखें कबूतर का, बहुत ही शानदार। आंखों का भी शो करें, ये देखें आप लोग आंखों का शो करेंगे, बहुत बढ़िया उम्दा, क्या बात है। इसके नर का शो करें उस्ताद, ये इसी का नर है जी जी। दोनों बहन भाई हैं, उसी के बच्चे हैं ये। अच्छा, उसी के बच्चे हैं ये, पट्टे हैं ये दोनों, वो मादा थी जी जी, ये नर है। अच्छा, ये नर है, ये देखे दोस्तों क्या बात है, आप लोग इसके परों का भी शो करें। ये काले बाजू होगा, एक बाजी काली जी, एक बाजी सफेद। अच्छा, ये देखे दोस्तों क्या बात, कलसरा श्यामी पट्टा, पट्टा है ये कलसरा श्यामी, उन्हें जो बड़ी जोड़ बड़ी जोड़ का अभी जो दिखलाई जी जी जी। घूमे रहो घूमे, ये देखे दोस्तों आप लोग शो करें, इसका क्या आवाज है, बहुत ही शानदार आंखों का शो करें, ये देखो दोस्तों क्या आवाज है, बहुत ही बेहतरीन आंखें। काले लोग पंजे, पंजे देखें आप लोग शो करें, पंजों का भी बहुत ही बढ़िया, ये देखें आंखों का भी शो कराता हूँ आपको, ये देखे दोस्तों आंखों शो करें आप, लो भी ये भी इसी के पट्टे हैं। अच्छा, ये दोनों इसी के पट्टे हैं, ये भी बहन है भैया उसी के, ये देखे दोस्तों क्या आवाज, ये दोनों बहन है। अच्छा, ना, ये अच्छा, ये अच्छा, अच्छा, नर मादा है दोनों। हाँ जी जी, सबसे पहले इसमें जो नर है उसका शो करवाएं, अब इसके बारे में बताएं कुछ। नर ये है जी, ये देखे दोस्तों क्या आवाज, बहुत ही शानदार, ये सारा एक ही परिवार है, सब एक ही खानदान है, अच्छा एक ही नस्ल एक ही परिवार, बड़े जोड़ के पट्टे हैं सभी है। अच्छा अच्छा, बड़ी जो जोड़ दिखाई थी सबसे पहले दिखाई थी, इसके करीब करीब 10-12 बच्चे हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं उसके जोड़ के, 10-12 बच्चे, 10-12 बच्चे हैं इसके, सारे बेहतरीन उड़ने में अच्छे। हाँ, उड़ने में अच्छे, ये देखे दोस्तों क्या बात है, पूरी नस्ल है, ये देखे आप लोग शो करें, बहुत ही शानदार बेहतरीन शो करें आप लोग, आंखों का भी बहुत शानदार, मादी का शो करें। अब दूसरी लाओ भाई, ये देखे दोस्तों क्या बात है, ये इसकी मादी ने, ये इसकी मादा। अच्छा, ये देखे दोस्तों क्या बात है, पर देखें आप लोग बहुत साफ पर बेहतरीन, ये देखें आप लोग पोट देखें इसका पूरा, बहुत ही शानदार, क्या बात है दोस्तों, आंखों का भी शो करें आप, बहुत बढ़िया आइस क्वालिटी है। तो ये देखे दोस्तों पूंछ देखें आप, पूंछ का भी शो करें, तीरी पूंछ है ये, तीरी पूंछ। अच्छा, ये देखे दोस्तों क्या आवाज है, बहुत बेहतरीन, दसोकली साफ है जी जी, नई पठिया उदयरमपुरी जी, इनको भाई साहब उदयरमपुरी बोलते हैं, उदयरमपुरी। हाँ, अच्छा, ये रामपुर की नसील है, रामपुर शहर की। ये देखे दोस्तों क्या आवाज है, उदयरमपुरी कबूतर देखें आप लोग, ये मादा है, ये मादा है, ये देखे नर, नर, अच्छा नर है ये, नर है ये, ये देखे दोस्तों क्या आवाज है, आप लोग देखें नर, ये इसके पर हैं। हाँ जी, पर सफेद बाजू जी जी, दोनों बाजू सफेद जी, आंखों का शो कराएं इसका थोड़ा सा, ये रामपुरी आंख है, कबूतर ही रामपुरी है। ये देखे दोस्तों क्या बात है, ये उसकी मादी ने, ये उसकी मादी ने। अच्छा, बच्चे उड़ाते, ये देखे दोस्तों ये बच्चे उड़ाती है ये भी। अच्छा, बच्चे उड़ते हैं इसके भी। हाँ, ये भी बच्चे उड़ते हैं, ये देखे दोस्तों शाम तक बच्चे उड़ते हैं जोड़ के। अच्छा, कोई खासियत बताएं इसकी, पर की या पूंछ की, क्या क्या मतलब होनी चाहिए इसकी, पर की ये है खासियत, ये दो दो पर, नौवां और दसवां काला जी, और बाकी सफेद, बाकी सफेद है सारे पर, बाकी सफेद है सब जी, बहुत बढ़िया। और ये एक पूंछ का सफेद पर जी, एक साइड का, बाकी सारे पंजे मोमिया, मोमिया चोंच, मोमिया पंजे लो जी, ये इसके पट्टे। हाँ, इसके पट्टे आइए जी, ये देखे दोस्तों पट्टा शो करेंगे, ये मादीन है। हाँ, अच्छा, ये मादीन है, ये रामपुर जोड़ की मादीन बच्चे हैं ये मादीन। अच्छा अच्छा, ये उसी का भैया, रामपुरिया का जो मादीन दिखलाई थी। अच्छा, अभी जो आपने दिखाई थी मादीन। हाँ, उसका भैया जी। ये देखे दोस्तों आप लोग देखे, पूरी बाजू का शो करें इसका, बहुत शानदार,
दसवां पर काला, अच्छा, और बाजी सफेद, जी जी जी, दूसरी बाजी दोनों साफ, जी, पूंछ काली, अच्छा, इसके नोक नोक पंजे मतलब काले। ये देखो दोस्तों, आप लोग इसकी आंख का शो करें, इस तरह से दिखाओ, ये देखो दोस्तों क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, क्या बात है दोस्तों, ये पंजे सिया जी, शाम तक लोग उड़ान है इनकी, पट्ठों की शाम तक, क्या बात है दोस्तों, साइज देखे, साइज भी काफी बड़ा है ना, फुल साइज, बड़ा साइज, बेहतरीन, क्या बात है, खैरे बैरी के भी हाथ नहीं आते हैं। जी जी, ये देखे केटी कबूतर, ये रामपुरिया मदीन है, अच्छा, ये कौन सा कबूतर आपके हाथ में था? ये रामपुरिया मदीन है, जी जी, और पाकिस्तानी कबूतर पड़ा हुआ, केटी केटी टेडी क्या, केटी टेडी 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 दोस्तों, बताएं कुछ इसके बारे में, कबूतर दिखाएं, पहले पूरा कबूतर दिखाएं, रामपुरिया मदीन, ये देखो दोस्तों क्या बात है, मदीन का शौक करेंगे आप लोग, अरे मुड़ भाई इधर को, बहुत ही शानदार आ रही है, साफ आ जाएगी, ये देखें आप लोग क्या आवाज है, बहुत बढ़िया। इसकी उड़ान वगैरह कितनी थी शाम लोग? अच्छा, उड़ान सबकी बढ़िया है, ये बढ़िया उड़ान है, ये दूसरे दिन तक आते हैं, क्या बात है, बहुत शानदार, बाजी दोनों बाजी सफेद, रामपुरिया मदीन है जी, और ये कबूतर लगा हुआ पाकिस्तानी टेडी टेडी का हुआ कबूतर, अच्छा, ये देखे दोस्तों शौक करें आप लोग, कश्मीरी कबूतर, क्या बात है, इसकी आँख का शौक कराएं आप थोड़ा सा, ये देखे गाइस आँखों का शौक करें इसका, बहुत ही शानदार बेमिसाल आँखें, बहुत शानदार, ये देखे दोस्तों क्या बात है, तीरी पूंछ, जी, नोक पंजे मोमिया, बेहतरीन, क्या बात है दोस्तों, ये देखें आप लोग पंजों का भी शौक करें, व्हाइट नाखून व्हाइट चोंच, ये लो भाई, ये कौन सी जोड़ है? ये फुलसरी संभाली, अच्छा, फुलसरी संभाली कबूतर, कबूतर, हाँ जी, क्या बात है दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो कबूतर है ये नर है जी, और ये इसकी मादा है, मादा है, बहुत बड़े साइज के अंदर दोस्तों कबूतर है, ये देखें आप लोग क्या बात है, शौक करें, ये मादी है और ये नर है, बहुत ही बढ़िया, तो इसके लिए सबसे पहले जो इसमें नर है उसका शौक करवाएं आप, उसके बारे में बताएं थोड़ा, फुलसरी की कुछ जो खास बात होती हो, फुलसरों की संभल वालों की, ये उन संभली कबूतरों में है जी, जो अब से 35-40 साल पहले संभल के अंदर जो हुआ करते थे, अच्छा, पुराने पुराने संभली, जी जी, समझे, काली तय के जी, इस तय ये है काली, ये देखे दोस्तों, यानी कि तय का मतलब बोले लंगोट काला, लंगोट काला जी, कुछ आदमी लंगोट के नाम से ना समझ जाते, हमारे यहाँ तय काली करते हैं, जी जी, लंगोट काला बोल दो, जी जी, और मोमिया नोक पंजे, जी जी, और असली फुलसरी यही कलाते हैं संभल के, 35-40 साल पहले हुआ करते थे ये, अच्छा, ये देखे दोस्तों आप लोग इसकी आंखों का भी शो करें कबूतर का, ये एक बार जहाँ पंजा दे देता फिर वहां से जाता नहीं है, अच्छा, इसके अंदर ये खूबी है संभल का कबूतर, ये देखे दोस्तों क्या बात है, पर देखें आप कितने कितने बड़े हैं इसके, बहुत ही बेहतरीन, इसकी आंख का शो करवाएं एक बार, ये देखे दोस्तों क्या बात है, आप लोग इसकी आंखों का भी शो करें, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन आंख, चलिए इसकी मादी का शो करवाइए, ये देखे दोस्तों ये है इसकी मादी, ये मादा है इसकी, जिस कबूतर का आपने अभी शो करा ये वो मादीन है, फुलसरी संभली मादीन है, तीरी पूंछ की, तीरी पूंछ, ये देखें आप लोग पूंछ देखें, क्या बात है, 10 ऊपर सफेद दोनों बाजू के, साफ बाजू की मादीन, इसकी पूंछ में देखें आप लोग खासियत देखें दोस्तों की पूंछ में, ये भी तय काली की है ना, हाँ जी, तय काली लंगोट काला, जी जी, बहुत बढ़िया, और तीरी पूंछ, तीरी पूंछ, क्या, और नोक पंजे काले, काले नोक पंजे, क्या बात है, ये एक बार जहाँ बैठ जाता वहां से नहीं आपका शो करवाएं थोड़ा सा, ये देखे दोस्तों क्या बात है, बहुत ही शानदार आंख का शो करेंगे आप लोग, बेमिसाल, बहुत शानदार, ये देखे दोस्तों क्या बात है, असली संभली कबूतर यही है जी, अच्छा, ये उसके नर है, बहुत पट्टे हैं, अच्छा अच्छा, ये उसके पट्टे असली संभली जो अभी दिखलाए मैंने, उसी जोड़ के पट्टे हैं ये, हाँ उसी जोड़ के पट्टे, अच्छा, ये देखे दोस्तों क्या बात है, ये देखे दोस्तों उसी जोड़े के पट्टों का आपको शो करवाएंगे, जो अभी आपको उस्ताद जी ने जोड़ा दिखाया, ये देखें आप लोग जोड़े का शो करें पहले, ये क्या बात है, फुलसरा, बहुत ही शानदार, और दोस्तों ये शो कर रहे हैं आप लोग जिला रामपुर से बादली टांडे शहर का, जो कि हबीब भाई के यहाँ से, ये देखें आप लोग हबीबुर रहमान, हबीब भाई दर देखें, ये देखे दोस्तों आप लोग शो कर रहे हैं इनकी छत का, और बाकी ये सारा व्यू है आप लोग देख सकते हैं, मौसम भी बेहतरीन है,
ये देखें आप लोग, खुली तय है और खुला आसमान बेहतरीन। ये देखें आप लोग क्या बात है दोस्तों, ये हमारे फेम भाई, ये देखें। तो बताएं उस्ताद को इसके बारे में बताएं। ये अभी जो सम्मिली दिखाया मैंने उसी के पट्टे हैं। अच्छा, उसी के पट्टे हैं सम्मिली जी। जोड़ एक पट्टे का शोक कराएं पहले। नर, ये नर है जी जी। ये देखो दोस्तों बाजू देखें आप जी, साफ बाजू के, साफ बाजू के, चिट्टी पूछ के फुल से हैं ये। हां काली बोई। अच्छा लंगोट काला पूछ चिट्टी। ये देखे दोस्तों क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शानदार। ये देखे दोस्तों क्या बात है, पूरे कबूतर का आप लोग शो करेंगे, बहुत ही शानदार। और ये इसकी आंख का आप लोग शो करें। ये देखे दोस्तों, ये है इसकी आईज, आंख फुल साइज के कबूतर, बेहतरीन साइज के, बहुत बढ़िया। इसमें कोई नर कोई मदीन बता दो कोई बैठ। ये देखे दोस्तों, ये मादा है इस मद... नर की। ये उसी नर की मादा है, ये देखें आप। इसकी भी आंख देखो, इसकी भी आंख का शोक करवाओ। ये संबली फुलसरी मादा, क्या बात है दोस्तों। बाजू सफेद, दोनों दोनों बाजू सफेद, उसकी मादीन है ये, देखें आप लोग। और ये देखो दोस्तों शोक करें आप, ये टांडा इंतियाज के कबूतर है जी जी, बाट नंबर 25 जी जी, बहुत ही शानदार आंख का शोक करें आप, क्या बात है जी। उस्ताद जी ये कौन सी जोड़ है? ये फुलसरी संबली जोड़ है जी, फुलसरी संबली। भाई साहब मैं थक गया, कहां लो दिखलाऊंगा, आप सबकी वीडियो बना ले। बिल्कुल बिल्कुल घोड़े से जी, कहां लो दिखला, मैं लोंडे भी थक गए पकड़ पकड़ के ला जी। कबूतर बोते हैं दोस्तों, तो अब आपको ये लास्ट नेक्स्ट जोड़े का शो करवाएंगे, उसके बाद सारे कबूतर एक जगह दिखाएंगे। सही है, 400-300 कबूतर है लगभग जी जी, शाम हो जाएगी, इसे वीडियो बना ले सबकी जी जी बिल्कुल। और लाला जो है जी, हमारा भतीजा है लाला भाई, लाला जो हमारा भतीजा है जी जी, और लाला का शौक जो है ये फुलसरो कबूतरों से करता। कहाँ गए लाला जी? लाला भाई नीचे गए, लाला तो भाई नीचे गए हैं, वो हमारा भतीजा है जिसका शौक करवाएं जोड़े का पूरे। ये देखो लो भाई, नर का नर ये है, नर का शौक करवाओ। ये देख दो दोस्तों क्या बात है, बहुत ही शानदार बाजू देखे आप लोग, खूबसूरती देखे कबूतरों की, लंगोट काला जी। ये देखे दोस्तों आँख का शौक करें आप, क्या बात है, देसी कबूतर का मजा ही कुछ और है, अलग ही है। फुल साइज के कबूतर, बिग साइज के कबूतर दोस्तों, डबल एक्सएल साइज, ये देखें आप लोग क्या। और ये मादा है इस कबूतर की, ये मादा है इसकी, ये देखें दोस्तों क्या बात है। और हमारे लाला को बहुत शौक है इसका, ये देखें दोस्तों, ये मादिन का भी शौक करें आप लोग, ये मादिन है बहुत ही बेहतरीन। ये देखें दोस्तों, ये दुम दिखाए इसकी, दुम काली, ये देखें दोस्तों क्या बात है, बहुत ही बढ़िया दुम, बहुत शानदार। ये देखे और आप दो भाई साहब, अब हम थक गए जी बिल्कुल, हमारा लाला भी, तो आपको सारे कबूतरों का एक जगह शो करवाते हैं। लाला भी थक गया, सारे कबूतरों की आप एक जगह बना लें। बिल्कुल बिल्कुल। और टांडा बादली जिला रामपुर वार्ड नंबर 25 इम्तियाज भाई के कबूतर जी, 300-400 लगभग, कलसरे फुलसरे चिट्टे तीरे जी, इसमें सभी रंग के कबूतर है। अच्छा, और बेहतरीन उड़ने वाले कबूतर है जी। तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं सारे कबूतर, शो कर रहे थे अभी रामपुर शहर के अंदर थे, बाकी बहुत सारे कबूतर हैं। ये देखें कस्बा टांडे से जिला रामपुर, ये देखें आप लोग क्या बात है, वार्ड नंबर 25 से आप लोग शो कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों क्या बात है, बहुत ही शानदार बेहतरीन, ये देखें आप लोग, एक से एक शानदार और एक से एक बेहतरीन कबूतर है। ये देखें दोस्तों क्या बात है, बहुत ही शानदार बेहतरीन जोड़ों का आप लोग शो करेंगे, सारे एक से एक शानदार कबूतर हैं। ये देखें आप लोग बहुत ही बढ़िया, सब हाई फ्लायर और उड़ने वाले कबूतर। ये देखें आप लोग इसके शौक कर, कल सिरे कबूतर का बहुत ही शानदार। ये देखें दोस्तों क्या बात है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह अपनी वीडियोज़ बनवाना, तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर चैनल के अवार्ड में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों आप सब भाइयों को बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।